चलिए सर, कहता है मटेरियल 70 रुपये है, तो पहले एक लिख लेते हैं हम वेरिएबल, ठीक है, और फिर आ जाएगा हमारा सेमी वेरिएबल, फिर आ जाएगा हमारा फिक्स्ड। सेमी वेरिएबल में कितने हैं? एक दो है, दो के लिए कर लेंगे, फिर आ जाएगा फिक्स्ड। सर पहले ले लेते हैं हम फर्स्ट पे मटेरियल। सर मटेरियल कहा गया 70 रुपये के हिसाब से, इसका तो आ जाएगा 7 लाख, इसका आ जाएगा 4 20, इसका आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया 70 को मैंने हर बार हर किसी से, लेबर 25 रुपये, 25, 2.5 लाख, 25, 1.5 लाख और 2 लाख, ये भी मल्टीप्लाई कर दिया। वेरिएबल ओवरहेड 20 रुपये, वेरिएबल ओवरहेड 20 रुपये, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लाख, 1,20,000, 1,80,000। इसके बाद कहता है फिक्स ओवरहेड, फिक्स है हमारा ओवरहेड कितने? 10 लाख रुपये, तो यूनिट दे रखा है तो फिक्स ओवरहेड है सर, तो फिक्स ओवरहेड 10 लाख है, 1 लाख है सॉरी, 1 लाख, 1 लाख करेक्ट। इसके बाद वेरिएबल एक्सपेंस कहता है, फिर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे नहीं जाते, वेरिएबल एक्सपेंस कहता है हमारा कितना सर? वेरिएबल एक्सपेंस है यहाँ पे 5, वेरिएबल एक्सपेंस 5, तो 10, 50,000, 30,000 और 40,000। सेलिंग एक्सपेंस में 10% फिक्स है, तो सर सेलिंग एक्सपेंस ध्यान दीजिएगा, सेलिंग एक्सपेंस टोटल कितने का है? 13, 13 में 10% फिक्स है, यानी 1.3 फिक्स है, तो सर बाकी का पार्ट कितना बच गया? 13 में से 1.3 निकाल दो अगर आप, तो बचेगा हमारा 11.7, ये वेरिएबल है। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम, कौन सा था हमारा? था सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस एक तो है फिक्स्ड, तो फिक्स 1.3, 10,000 तो 13,000 बनता है सर, तो ये और रिस्पेक्ट लेवल पे 13,000 तो फिक्स रहेगा कैसे? 1.3, और हमने 10,000 कैपेसिटी पर ले लिया सब पे, ऐसे ही वेरिएबल कॉस्ट आएगा 11.7 है, तो इनटू में आपका पहले 10,000, तो 1,17,000, 11.7 इनटू में 6,000, 70,200 इनटू में 8,000, 93,600, ठीक है। आगे कहता है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जो है हमारा 20% फिक्स है, तो सर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में टोटल 7 है, 7 का 20% 1.4 फिक्स है, तो बचे कितने सर? 5.6 बच गए वेरिएबल, तो पहले 1.4 फिक्स कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, फिक्स्ड की बात चल रही है, तो सर फिक्स कितना है? 1.4, 10,000, 14,000, ये तो हो गया सर फिक्स।
अब बात कर लेते हैं वेरिएबल का. वेरिएबल का 5.6 है तो 56,000, 5.6 6,000, 37,600, 5.6 इंटू में 8,000, 44,800, करेक्ट. अब कहता है सर एडमिन एक्सपेंस जो है ना, एडमिन एक्सपेंस 5,000. नीचे कहता है प्रिपेयर बजट फॉर प्रोडक्शन. अब देखिए प्रोडक्शन के लिए बनाना है हमें, और यहाँ कहा 8,000 यूनिट पे और 6,000 यूनिट पे. अज्यूम दैट एडमिन एक्सपेंस रिजिड ऑल लेवल प्रोडक्शन. रिजिड का मतलब होता है फिक्स है, हर एक लेवल प्रोडक्शन पे जो एडमिन वाला पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा, फिक्स. तो जो कि कितना है हमारा 50,000, तो एडमिन यहाँ आ जाएगा. रिजिड का मतलब फिक्स, कितने आ गए 50,000. चलिए यहाँ पे तो इनका टोटल ले लीजिएगा, थोड़ा स्पेस कम है आप थोड़ा सा गैप दे के करिएगा. यहाँ पे इसका टोटल आ जाएगा और यहाँ पे इसका टोटल आ जाएगा और सबसे नीचे टोटल आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों आ जाएगा. ठीक है, मैं करता जाता हूँ. 7,00,000, 2,50,000, 2,00,000, 50,000, क्या आ गया 12,00,000, 13,000, 10,000 और 55,000, ये आ गया 2,00,000 और ये आ गया 1,50,000. तो सर ये आ गया हमारा 12,00,000 प्लस में 2,00,000 प्लस में 150, 15,50,000. पहला, दूसरा 4,20, 420, 150, 120, 30, ये 720 आ गया. क्या 13,700, 14,000, 13,000, 130,800. उसके बाद ये तो 1,50,000 ही रहा, ये तो हर लेवल पे 1,50,000 ही आया. ठीक है, 720, 130, 800 प्लस 1,00,000, 1,00,000, 8,00,000, 560, 2,180,000, 40,000, 780. ये टोटल थोड़ा गलत हो गया, 980 आएगा ये, 980. 13,900,640,000, 40,000, 44,800, 165,400, 980, 165,400 प्लस में 150, 12,95,400. कई बार इसको देखोगे ना तो जैसे फिक्स बोल रखा है ना, तो हम इसको ऑर्डिनरली कर सकते हैं, प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड वर्क कॉस्ट में भी बांट देते हैं, बट आप ऐसे कर लेंगे प्रोडक्शन को तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. चलिए जी, इस क्वेश्चन में डाउट है तो बताइए. थोड़ा सा करेक्शन लगा दिया था, ये वाला जो था हमारा तो 160, क्योंकि 20 से गलत मल्टीप्लाई हो गया था और नीचे तक मैंने करेक्शन कर दिया है.